स्टूडेंट्स, आज अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और एक टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहेंगे और इन केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस दो पदार्थों के मध्य होगी और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो थ्रू या तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू या रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होगा। अब केमिकल रिएक्शंस में जो पदार्थ या कौन मेजर क्वांटिटी में होता है या जिस पर रिएक्शन होती है, रिएक्शन के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है, उस पदार्थ हम सबस्ट्रेट कहते हैं। देखो यहाँ ये सबस्ट्रेट दिखाया गया है, ये जो पदार्थ है ये सबस्ट्रेट। दूसरा पदार्थ रिएजेंट होता है, ये एक अटैकिंग स्पेसीज होती है जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जो सबस्ट्रेट होता है ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों को सम्मिलित रूप से रिएक्टेंट बोल देते हैं। तो रिएक्टेंट आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जब प्रोडक्ट बनेगा तो या तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनेगा या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू बनेगा। अब ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट इन दोनों में क्या अंतर? ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्पेसीज को कहेंगे जो रिएक्शन के दौरान सबसे कम स्टेबिलिटी रखती है, या दूसरे शब्दों में यूँ कहूँ कि रिएक्शन के दौरान बनने वाली वह स्पेसीज जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है या कहूँ एनर्जी ज़्यादा होती है वो ट्रांजिशन स्टेट होगी। बहुत कम स्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं ये भी रिएक्शन के दौरान बीच में बनते हैं लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ट्रांजिशन स्टेट की अपेक्षा। ट्रांजिशन स्टेट को स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, जबकि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं इनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ट्रांजिशन स्टेट की अपेक्षा ज़्यादा होती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट के यदि अपन एग्जांपल लें तो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ईटीसी, ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल हैं। अब सबस्ट्रेट की यदि बात करें तो सबस्ट्रेट वह पदार्थ है जो मेजर क्वांटिटी में होगा, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हो गए जिनमें बेंजीन हुई, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हुए और हेलोजन डेरिवेटिव्स हुए जैसे एल्काइल और एराइल हैलाइड, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स हुए जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ईथर, ईटीसी, नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स हुए जैसे एमाइन हुआ, एमीन हुए, ये सब सबस्ट्रेट की कैटेगरी में आएंगे। जो रिएजेंट होता है वो माइनर क्वांटिटी में होता है और अटैकिंग स्पेसीज होती है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, बहुत सारे रिएजेंट हो सकते हैं। रिएजेंट और सबस्ट्रेट आपस में कलेक्टिवली रिएक्टेंट कहलाएंगे और रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे।
अब जो सब्सट्रेट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट तो सब्सट्रेट में तब होता है जब रिएजेंट उसके पास में रिएक्शन के दौरान आता है, ये कहूँ ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको तो हम टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सब्सट्रेट में ऐसा रहता है जो परमानेंट होता है। रिएजेंट सब्सट्रेट के पास में आए या ना आए, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उस सब्सट्रेट में रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है केमिकल रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से ही रिएक्शन का पाथ डिसाइड होता है। रिएजेंट कौन सब्सट्रेट में किस साइट पर अटैक करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इस परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हैं ये परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हैं। परमानेंट का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो हैं सब्सट्रेट में रिएजेंट हो या नहीं हो, सब्सट्रेट के पास रिएजेंट हो या नहीं हो, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट उसमें होंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इनका विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही।